हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टाइम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम लेकर आ गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट था कि आईटीआई का फॉर्म कब आएगा, आईटीआई का फॉर्म फिल करने में कितना पैसा लगता है, इसका फॉर्म डेट कब आता है, इसमें कितना सीट होते हैं। तो इसके बारे में हम टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन इसके पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप बहुत सारे जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि बिहार जो आईटीआई होता है इसका फॉर्म कब आता है, तो इस फॉर्म को हम आपको बता दें कि बिहार आईटीआई का फॉर्म जो आपका इस वर्ष जो फॉर्म आएगा वह अप्रैल तक, ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल तक आपका फॉर्म डेट आ जाएगा। 12 तारीख के बीच में, 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्म को फिल करने में फ़ी कितना लगेगा। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो वही जेन्युइन आपको जो फ़ी लगता है यूआर कैटेगरी के लिए 900 के करीब में लगेगा। ये नहीं बता रहे हैं कि इतना ही लगेगा, 900 के करीब में लगता है। और एससी और एसटी के लिए कुछ छूट रहता है जिसमें से 500 ले सकते हैं, 500 आपका फी लगेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो हम यही बताने आए हैं और कुछ आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। तो ये बिल्कुल अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स होता है, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप 10th पास कर लें तो एक आईटीआई टेक्निकल कोर्स का आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। तो आजकल के जो फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए 10th पास है। अगर आप 10th तो पास होंगे ही, 2021 में किए हो या 22 में किए हो या 23 में कर किए हो, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसका भी एज सीमा रहता है कि हाँ 18 से समथिंग के करीब में रहता है, इनका इतना कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन इनका भी एज सीमा रहता है। अगर 23 में भी आप 10th पास कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्स होता है। तो इसमें 2021-22 में तो बहुत सारे कोर्स ऐड हुए हैं, कंप्यूटर से ऐड हुआ है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल होता है, इसी में भी इलेक्ट्रिकल होता है, फिटर होता है, मशीन होता है, मैकेनिकल होता है, बहुत सारा अभी कोर्स ऐड भी हुआ है, बिल्डर होता है। तो आप बहुत सारे और कोर्स है जो उस कोर्स को भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को जो आता है फॉर्म, इस फॉर्म में कौन कौन से पार्टिसिपेट, इसमें जो ऑल कैटेगरी होते हैं बिहार के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, या अदर कैटेगरी के भी जो अदर स्टेट के भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया पे के लिए होता है। अगर बिहार से अगर आप करना चाहते हैं आईटीआई तो भी आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने में जो फी लगता है वो एक्यूरेट कैसे होता है। तो फॉर्म जैसे डेट आएगा तो हम वो फॉर्म का डेट बता देंगे, तो उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और हम आपके सामने फॉर्म फिल जैसे करेंगे वैसे आप कीजिएगा। तो अगर अभी हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब बात करते हैं कि आईटीआई में सीट कितनी होती है। तो हम आपको बता दें, जो बिहार आईटीआई में 2022 का सीट था, 2022 का वो सीट 28,000 के करीब, 2022 में जो था 28,000 समथिंग के करीब सीट हुआ। लेकिन इस वर्ष जो सीट है वो भी 28,000 ही सीट आएगा, जिसमें से सभी ट्रेड इसमें ऐड रहता है। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, और एक बात और बता देते कि जो ये हम वेबसाइट खोले हुए हैं अभी, तो इसी वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिएगा। और इसी वेबसाइट पे आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, ये जितने हैं ये सारे अभी जो अभी 2022 की काउंसलिंग चल रहे हैं तो इसका ही है, और ये खुद का खुद हट जाएगा। तो यहाँ से आप विजिट करते रहिएगा, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यही वेबसाइट है बिहार आईटीआई का। जब फॉर्म आएगा तो बीसीईसी बोर्ड, ये जब आप सर्च कीजिएगा तो गूगल पे आप आ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।